रामकृष्ण परमहंस जी का एक ही स्टोरी है। वो अपने भगत लोगों को बोल रहा था कि एक बार एक चोर एक तालाब में रात में छुपे छुपे, मतलब वो मछली कैच करने वाला जो नेट है वो फेंक रहा था। अचानक क्या हुआ, नर्मदे हर गांव वालों को पता चल गया कि मछली चोरी करने के लिए कोई चोर आके वैसा ही जाल फेंक रहा है, मतलब नेट फेंक रहा है। तो चारों तरफ से क्या किया, वो तालाब को वो लोग घेर लिया। तो चोर जब देखा कि मेरा तो इधर से निकलने का सारे मार्ग बंद है, तो वो क्या किया, अपने जो नेट था मछली पकड़ने का वो नेट तालाब के अंदर फेंक दिया। और थोड़ा साइड में थोड़ा ये था रेक था, वो पूरा शरीर में लगा के महात्मा जैसे भेस लगा के बैठ गया एक पेड़ के नीचे। फिर गांव वालों आए और नज़दीक आके देखा, अरे इधर तो कोई चोर नहीं है, लेकिन हाँ एक पेड़ के नीचे एक बहुत पहुँचे हुए महात्मा बैठा है। ठीक है, तो दूसरा दिन क्या हुआ, उसके सामने बहुत सारे भेंट, बराबर पैसा मिष्टान्न फल सब कुछ आके उसको देता रहा, सब उसको पैर पकड़ के प्रणाम करना शुरू कर दिया। तब ये चोर का होश ठिकाने पे आया, वो सोचा कि मैं तो अगर गलती मैं कर दिया इतने दिन से ही मैं, मतलब मुझे कोई इतना सब कुछ मिल रहा है तो अगर सच्चा भेषधारी साधु बनूं तो जरूर मुझे ईश्वर मिलेगा। बराबर, तो वो एक घटना है उसके जिंदगी का मोड़ घोर मतलब घुमा दिया और वो सच्चे साधु बन गए। तो मतलब रामकृष्ण भगवान जी ने बोला था कि देखो एक्टिंग से इतना कुछ अगर हो सकता है, बराबर तो ना था, रियलिटी में क्या हो जाएगा। बराबर बराबर यार, मतलब उसने बोला था कि अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो भी जैसे जब होता है कि कभी कभी जब करने का मन नहीं करता है। बराबर, रामकृष्ण जी का यही एडवाइस है कि लेकिन फिर भी तुम अपना काम करते जाओ, अच्छा लगे ना लगे वो देखना नहीं है, अपना मन को पकड़ के बिठा के रखो और जितना टाइम तुम हो सके जप करते जाओ करते जाओ। पता नहीं उसका फल तुम्हें आगे जाके क्या मिलेगा, कब मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, मिलेगा तो जरूर। बराबर, जैसे उनका और एक ये है कि पैसा बोलो इंसान बोलो सब कुछ इधर का चीज़ है, जाने का समय फेंक के जाना पड़ेगा, लेकिन जप धन पुण्य कर्म ये सब उधर हाँ। का चीज है, जाने का समय तुम साथ में ले जा सकते जाने का है। बराबर, ले जा सकते हो, पुण्य कमाना है बहुत पुण्य। नर्मदे हर।